हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज ना फिर से मीशो शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ और मीशो से मैंने इस बार ना साड़ियाँ परचेस की और बहुत ही सुंदर सी डेली वेयर वाली साड़ी है। तो फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको आज मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि आज मैं मेरे घर में नहीं हूँ, कहीं और बाहर आई हूँ। तो मुझे वीडियो तो बनाना ही था, तो सारा सामान मैं जो मेरे साथ लेके आई कि मुझे वीडियो जो है ये मंडे को अपलोड करना है, तो फटाफट से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और चलिए मैं बताती हूँ मैंने कौन सी दो साड़ियाँ ली है। और आज की जो साड़ियाँ है ना वो सारी 300 रुपये के अंदर की, 300 रुपीज़ के अंदर की साड़ी है और इसे आप डेली में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर साड़ी है और अगर इसे अच्छी तरीके से कैरी किया ना तो आप इसे बाहर भी पहन सकते हो। मैं चलो बताती हूँ आपको। तो फर्स्ट वाली जो साड़ी है ना वो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की साड़ी है। मैंने इसे ना खोला भी नहीं है, ये देखिए कुछ इस तरीके की साड़ी है। नीचे में ऐसे मल्टी कलर है और ऊपर में ऐसे इस तरीके से ना ब्लैक एंड वाइट है पूरा ही, तो इस तरीके से है। और सुंदर, बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक है इसका, जैसे कि हम लोग डेली में वेयर करते हैं, तो इस तरीके से कुछ है। तो इसको ना मैं आपको वेयर करके बताती हूँ, वेयर करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं इसका ट्रायल। तो ये देखिए, ये ना साड़ी का ब्लाउज पीस है इस तरीके से, और बाकी पूरी जो साड़ी है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट है। मैं आपको वेयर करके बताती हूँ, आपको समझेगा। तो ये वाला साड़ी है और ये वाला पूरा ब्लाउज पीस है। तो चलो आपको मैं ट्रायल बताती हूँ किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। Los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar. तो जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ अगर आपको परचेस करना है ना, सभी के आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वहाँ से कोड लेना है, मीशो की साइट में जाना है और ये सारे कोड्स लिख लेना है, तो आप इजीली ये जो चीज़ें हैं ना वो सर्च कर सकोगे। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर रहे हो मीशो फर्स्ट टाइम, तो आपको आपके फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर पर 30% या फिर 100 रुपीज़ तक का ऑफ भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी डील मिलेगी आपको, मीशो एक बार ज़रूर से चेक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, तो अब मैं याद रखती हूँ कि मुझे आप लोगों को बोलना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब ना मैं आपको सेकंड साड़ी बताती हूँ। तो सेकंड ना इस तरीके से ये प्लेन साड़ी है, ये ना पिंक कलर की है और इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। अगर आप कुछ प्लेन साड़ी ढूँढ रहे हो ना तो आप ये वाली साड़ी देख सकते हो। और इसके साथ इस तरीके से ना प्रिंटेड वाला ब्लाउज पीस है, तो ब्लाउज पीस भी काफ़ी सुंदर है इसका। और इसकी जितने भी कलर्स है ना ये वाली कैटलॉग में जितने भी कलर्स है ना वो सारे प्लेन कलर है साड़ियों के, और ब्लाउज पीस के सारे ही ना पैटर्न्स और डिज़ाइंस अलग अलग है। तो ये वाला कैटलॉग भी बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप प्लेन साड़ी के लिए जा रहे हो ना तो इस तरीके की साड़ी आप परचेस कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है ना ये मुझे थोड़ा जॉर्जेट टाइप का मटेरियल लग रहा है और काफ़ी लाइट वेट ये वाली भी साड़ी है। तो चलिए फटाफट से ना इसका लुक बताती हूँ मैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसके बाजू में छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
ना मैं आपके साथ एक DIY शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाया था, ये देख सकते हो आप। ये ना बैम्बू बास्केट है, इस तरीके की बास्केट अगर आपके घर में पड़ी हो तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। ये ना मैंने लेस से इसके चारों तरफ जो है ना लेस जो है वो चिपका ली है, और बाद में बीच में एक मिरर चिपकाया है। और ये सारे कलर देख रहे हो ना, ये सारे ही एक्रेलिक कलर्स है ना, मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कलर कर लिया है बास्केट में। इसका ट्यूटोरियल ना मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको बनाना है। और बस यहाँ पे किले में जो है ये बास्केट इस तरीके से लगा ली है। तो ये एक राउंड शेप की थी मेरे पास, इसको मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया है वॉल हैंगिंग के जैसे मैं यूज कर रही हूँ। और ये और एक बास्केट है, ये ओवल शेप में है इस तरीके से। और इसको ना मैंने स्प्रे पेंट इस पे कर दिया था ब्लैक कलर का, और बाद में इस पे इस तरीके से मोती लगाए थे। और ये एक बड़ी सी पत्ती है आर्टिफिशियल वाली, वो मैंने बस ऐसे ही यहाँ पे नीचे से ना अटैच कर लिए। और इस तरीके से कुछ ये इसका लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके से ना आपके पास अगर बास्केट्स पड़ी होगी ना, ऐसी बास्केट्स हमको फ्रूट्स के साथ आती है, या फिर बच्चों के कुछ कपड़े खरीदते हैं या कुछ गिफ्ट आइटम लेते हैं ना, तो ऐसी बास्केट आती है और उसके बाद पड़ी हुई रहती है। तो कुछ इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो अपने वॉल के लिए। और एक ये वाली शेप की थी, ये ना कुछ लिया था मुझे लगता है छोटे बेबी का कुछ, तो भी इसमें गिफ्ट रैप आया हुआ था जब देव छोटा था तब आया था। तो ये भी मैंने संभाल के रखी थी, और इसको इस तरीके से ना आधा कपड़ा इसमें लगाया है, और बाद में ये आर्टिफिशियल इस तरीके से ना फ्लावर्स है वो लगा लिए हैं। तो ये तीन इस तरीके से लाइंस है ना मैंने मेरे हॉल पे लगाई है, डेकोरेट की है वॉल पे। तो कुछ इस तरीके का डेकोरेशन आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से ना ये बन जाता है। इसका ट्यूटोरियल ना मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसके बाजू में छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मम्मी वो कहाँ पे जो थैले में लाए थे वो पूरा चिप्स वगैरह वगैरह खत्म हो गया, वो उधर एक पड़ी थी नहीं थी तूने खा ली। कोने में है, उधर कोने में है, दे मेरे को इतना बोलना दे प्लीज। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो देव आया होगा पसंद आया है। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके बाजू में छोटा सा बेल का तो हो